Deliberating further about the role of mental health professional in academia, there are the competencies issues which are need to be discussed in teaching. Effectively imparting knowledge to others requires distinct competencies. It's not that easy that the knowledge, whatever you have, you are just going to impart them to others. It requires spe specialized training and it requires specialized uh, material which you need to import, impart to others. एट टाइम्स जो आपको आता है वो सिंपली अनफ नहीं होता किसी दूसरे को समझाने के लिए दीज इंक्लूज इंथ्यूजम फॉर द मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर एंड हैविंग प्रोफिशेंसी इन टीचिंग मैथड इवेल्यूएटिंग स्टूडेंट्स अप्रोप्रिएटली एंड इम एंड इंटरक्टिंग विद दैम वेरी प्रोफेशनली इन एंड इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लासरूम सो यू नो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि सिर्फ एक सब्जेक्ट मैटर आना काफ़ी नहीं होता एक इंडिविजुअल एक बहुत अच्छा टीचर तो हो सकता है लेकिन उसके साथ उसमें शायद वो मोटिवेशन जो वो स्टूडेंट्स को दे सके वो इंथुजियाजम जो वो अपने अंदर लाता है जब वो स्टूडेंट्स के साथ बात करता है वो शायद उसके अंदर कभी लैक भी कर जाता है इट्स नॉट इक्वल फॉर एवरी वन टू बी सो इंथ्यस्टिक टू बी सो पैशनेट कि वो अपने स्टूडेंट्स के साथ बात करते हुए उनके अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी वो पॉजिटिव सिनर्जी ट्रांसफ़र कर सके जो वो खुद अपने सब्जेक्ट को लेकर अपने अंदर महसूस करता है Isi are students ke saath professionally deal karna because in a set of students there may be some who are very dear to you and they are the some who may not be that much dear to you because they are not much responding in the class because they are not well prepared uh, after your lectures to give uh, the you know probably discuss the outcomes with you and things like that. To wahan par uh, ek balance rakhna uh, within the classroom and outside the classroom is very very important and very प्रोफेशनल वे टू डील विद द स्टूडेंट्स फ्यू कम्पिटेंसी इशूज आर टीचिंग स्किल्स एंड कोर्स प्रेपरेशन कीपिंग करांट इन वंस फील्ड इज एन एथिकल मैंडेट फॉर इफेक्टिवली एजुकेटिंग स्टूडेंट फॉर इन सेंस बात इतनी तेजी से चेंजेस आ रहे होते हैं एक फील्ड जो है वो इवॉल्व हो रही होती है उसके अंदर uh, बहुत सारी रिसर्च हो रही होती है और अगर आप अपने मटेरियल को अपडेट नहीं रखते तो आपको कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं वो फ़ौरी तौर पर आपको नहीं पता लगती और आप उस फील्ड में थोड़ा सा लैक करने लग जाते हैं फॉर इंस्टेंस जैसे अगर हम साइकोपैथोलॉजी की बात करें सो इट्स अ फील्ड विच कीप्स इवॉल्विंग ऑल द टाइम और इसके अंदर जब एक डी का मैनुअल आता है तो उसके थोड़े अरसे के बाद ही आ, अगले मैनुअल के लिए जो है वो रिकमेंडेशन आना शुरू हो जाती हैं कि वी कैन सी द कैटेगरीज इन अ डिफरेंट मैनर या हम उसके जब जब ट्रायल आउट वर्जन होते हैं उसमें वो कहते हैं नहीं जिस सिम्टमटोलॉजी में टाइम के साथ चेंज आ रहा है तो ये सिम्टम ऐड होनी चाहिए ये एक्सक्लूड होनी चाहिए तो बहुत तेजी से इसमें चेंज आता रहता है तो हर मैनुअल से दूसरे मैनुअल में क्या डिफरेंट है डी एस एम फोर से डी एस एम फोर टी आर में क्या डिफरेंसेस थे वाई डी एम डी एस एम फोर टी आर बीन डिसकॉटेड एंड डी एस एम फाइव हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड और उसके अंदर मल्टाईज सिस्टम जो था उसको खत्म करने की क्यों जरूरत पेश आई एंड नाउ वी आर लुकिंग फॉर्वर्ड टू हैव डी एस एम सिक्स तो अब उसमें क्या चेंजेस होंगे वो uh, किस क्रॉस uh, कल्चरल uh, uh, जो है वो साइकोलॉजी की बात करेगा या वो कौन से एस्पेक्ट को देखेगा तो दिस इज समथिंग विच ए टीचर नीड टू बी वेरी अपडेटेड इन टर्म ऑफ देयर सब्जेक्ट मैटर ऑप्शन टू अपडेट नॉलेज एंड स्किल्स इंक्लूडिंग टेकिंग कोर्सेज सेल्फ डायरेक्टेड रीडिंग हो सकती है आप नए कोर्सेज ले सकते हैं आपके अंदर मोटिवेशन होनी चाहिए नया सीखने की आपको दूसरों से एक्स्ट्रा मेंटोरिंग अपने सीनियर से लेने की जरूरत होती है फिर प्रोफेशनल मीटिंग कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करना और अपने काम को जो किया है प्रजेंट करके फीडबैक लेना ये सब एक टीचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और उसके लिए एक बेसिक उसकी टीचिंग स्किल्स को बेहतर करने के लिए और उसके प्रप्रेशन को अपने आप की अच्छे करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है देन इन्फ्यूजिंग डाइवर्सिटी कॉन्टेंट ज अट्रैक्टिंग फ्यूचर हेल्थ प्रोफेशनल्स जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं इट रिक्वायर्स एजुकेटर्स टू प्रोजेस टीच एंड प्रैक्टिस कल्चरल कॉम्पिटेंसी वाई इट इज इम्पॉर्टेंट कि हम कल्चरल कॉम्पिटेंसी की बात करें बिकॉज द वर्ल्ड हैज़ नाउ बिकम अ ग्लोबल विलेज और आज हम डिफरेंट कल्चर्स को अपने एक कंट्री के अंदर ही प्रैक्टिस होता हुआ देख रहे हैं यहाँ पर हम कुछ सौ किलोमीटर के फासले पर जाएं तो हमें वहाँ पर एक नया कल्चर दिखाई देता है और बाज़ात हमें अपने साथ बैठे हुए इंडिविजुअल में एक नया कल्चर दिखाई दे रहा होता है सो वी नो के एज अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी यू नीड टू बी एक्सप्रेस्ड अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर क्योंकि ये डाइवर्सिटी ही एक मैन काइंड की ब्यूटी है और इस इसकी वजह से पैदा होने वाली जो डिफरेंसेस हैं उन्हें हमें एक्सेप्ट करना आना चाहिए और एज अ साइकोलॉजिस्ट हमें उनके साथ डील करना जो है वो आना चाहिए तो इसकी बात करना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम अपने टीचिंग में अपनी स्टडीज में अपने कोर्स कंटेंट में डायवर्सिटी uh, के कंटेंट को इन्फ्यूज़ करें इन्फ्यूजन ऑफ डाइवर्सिटी अकर्स मेनली इन प्लानिंग ऑफ कोर्स टॉपिक्स एंड डिज़ाइनिंग ऑफ कोर्स एक्टिविटीज एंड असेसमेंट क्राइटेरिया अब डिफरेंट कोर्सेज को आप डिफरेंट तरीके के साथ डिज़ाइन कर सकते हैं उसके अंदर आप डिफरेंट तरीके से न्यू टेक्निक्स जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और उसमें आप नई चीज़ों की बात कर सकते हैं टीचिंग कोर्सेज विदाउट फॉर्मल ट्रेनिंग समटाइम्स बाई इन आपको कोई ऐसे कोर्सेज दिए जाते हैं जिसके ऊपर कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग पहले नहीं दी गई होती फॉर एग्जाम्पल कोई डाटा uh, एनालिसिस का कोर्स है कोई स्टेटिस्टिक्स का कोर्स है उसके ऊपर कोई स्पेशलाइज ट्रेनिंग नहीं है uh, उसको पहली दफ़ा पढ़ाना और उसको स्टूडेंट्स uh, को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करना वुड बी अ डिफिकल्ट थिंग ऑफन एन इनअफ इंस्ट्रक्टर्स मे फाइंड दम सेल्व असाइन सेवरल अनरिलेटेड कोर्सेज इंक्लूडिंग दोस्त दे रिश्ते

impaired instructors mental health professionals who teach can themselves be impaired this is not something which is beyond imaginations because it ranges from mild to deliberating and the more common type of personal uh, difficulties that affect almost everybody including instructors uh, yeah, uh, students who have a say apni kuch early teaching ki classes mein hi, uh, apne teacher ka profile understand kar lete कि क्या उनका टीचर जो है वो खुद किस तरह का एक ह्यूमन uh, बीइंग है या उसकी अपनी पर्सनालिटी किस तरह की है या क्या वो साइकोलॉजी पढ़ाने के लिए एक अच्छा इंडिविजुअल है या नहीं है और उसका जो नॉलेज है वो क्या स्टूडेंट्स तक पहुँच रहा है या जस्ट वो स्टूडेंट्स उसकी क्लास में एक टाइम पास कर रहे हैं असेसमेंट एंड कोचिंग द बैलेंस असेसमेंट एंड फीडबैक टू इम्प्रूव स्टूडेंट लर्निंग इज एन असेंशियल एलिमेंट

कैपेबिलिटीज़ uh, हैं उनके बारे में अपडेट किया जा सके